हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हम क्लास लेके आए हैं उसमें देखेंगे यूपी SSSC टेट 2021 में जो एग्जाम हुआ 24 अगस्त 2021 को जो एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। जब यूपी SSSC टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला था तो उसने कहा था कि हम जो एग्जाम लेंगे इसकी कट ऑफ बनाएंगे वो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बनाएंगे। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग अपनी वैकेंसी के 13 गुने कैंडिडेट को अपने मेंस एग्जाम में बैठाता है। तो इस आधार पर हमने कट ऑफ तैयार किया है, एक एस्टिमेटेड कट ऑफ तैयार किया है, समथिंग दैट इसी के आधार पर कट ऑफ आने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ निकलेगी, आप इतना मान के चलिए। ये बहुत ही विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है और याद रखना ये जो कट ऑफ निकलने वाली है तो जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती की। वो 8000 भर्ती आने वाली है, उस 8000 भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यूपी SSSC यूपी पैट एग्जाम 2021 कट ऑफ है, ठीक है। 8000 लेखपाल के पदों के आधार पर जो हमारा जो ये कट ऑफ तैयार किया है हमने वो 8000 जो लेखपाल के पद हैं उनका आधार मानकर हमने कट ऑफ तैयार किया है, ठीक है। 7.5 गुना, 10 गुना, 13 गुना, 15 गुना और 20 गुना, इतने गुने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी। जब 7 गुने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल ईडब्ल्यूएस हैंडीक्राफ्ट इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ऐसे ही 10 गुना अगर कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो एससी वो जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल ईडब्ल्यूएस अदर हैंडीक्राफ्ट इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। 13 गुना बोला, इससे को हाईलाइट रखना क्योंकि जो कट ऑफ का जो क्लू दिया है यूपी SSSC ने जो क्लू दिया है वो क्लू ये दिया है कि हम जो कट ऑफ तैयार करेंगे यूपी SSSC क्या है, हम जो कट ऑफ तैयार करेंगे वो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग अपने कुल भर्ती का 13 गुना कैंडिडेट को मेन्स एग्जाम में बुलाता है। तो इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यूपी SSSC है वो भी 13 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इसी में इसको स्टार बना दिया है। तो 13 गुने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, एससी जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, फीमेल की और ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप्ट, 15 गुना और 20 गुना। सबका मैंने डिटेल से अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर हमारा यूपी SSSC 7.5 गुने कैंडिडेट को बुलाता है तो जनरल की जिन बच्चों के 75 से 80 तक क्वेश्चन सही हैं उनका चांस पूरा आने का है। ओबीसी में 73 से 75 क्वेश्चन जिनके सही हैं उनका सही है। एससी में 65 से 68 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। एसटी की 60 से 63 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। फीमेल की 65 से 68 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 60 से 63 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है और हैंडीक्राफ्ट की सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। अगर कैंडिडेट 10 गुने बुलाए जाते हैं, तो जनरल की कट ऑफ 72 से 75 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ 68 से 72 के बीच में, एससी की कट ऑफ 62 से 65 के बीच में रहेगी, एसटी की 58 से 61 के बीच में रहेगी, फीमेल की 62 से 65 के बीच में रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 58 से 61 के बीच में रहेगी और हैंडीक्राफ्ट इन सबसे कम रहेगी। ऐसे ही अगर 13 गुने, इसको बहुत अच्छे समझना, ये 13 गुने की बात करें ना कि 13 गुने कैंडिडेट बुलाने के ज्यादा चांसेस हैं तो जनरल की 68 से 72 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की 66 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी, एससी की 60 से 64 के बीच में कट ऑफ रहेगी, एसटी की 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की 58 से 62 के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी और हैंडीक्राफ्ट इनसे कम रहेगा। अगर 15% 15% 15 गुने अगर 15 गुने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं
तो जनरल की 65 से 70 के बीच में, ओबीसी की 63 से 68 के बीच में, एससी की 57 से 60 के बीच में, और एससी की 52 से 55 के बीच में, फीमेल की 57 से 60 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 52 से 65 के बीच में, और हैंडीक्राफ्ट इनसे कम रहेगा। मतलब इन जिन लोगों के इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, इनके बीच में कुछ सही है, उनकी कट ऑफ, उनका आने का पूरा पूरा चांस है, वो मेंस एग्जाम तैयारी करना शुरू कर दें। आगे है, अगर 20 गुने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो जनरल की 57 से 62 के बीच में, ओबीसी की 54 से 57 के बीच में, एसटी की 48 से 52 के बीच में, एसटी की 43 से 47 के बीच में, और फीमेल की 48 से 52 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 43 से 47 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, और हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से कम रहेगी। तो ये पूरा हमने कट ऑफ बताया है, इस आधार पर कट ऑफ तैयार होती है, तो ऐसे ऐसे कट ऑफ रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हम सारी क्लासें चला रहे हैं, ठीक है। जो लेखपाल का जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए हम सारी क्लासें, सारे सब्जेक्ट पर क्लास लेके आ रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो का लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ कैसा लगा, ये हमारा एस्टिमेट कट ऑफ है, आप इसको इसी के आधार पर आप देख सकते हैं, अगर आप इनके बीच में नंबर आते हैं 13% में ज्यादा फोकस है ना, कट ऑफ इसके बीच में ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि यूपीएससी UPSSSC ने कह दिया है कि हम उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कट ऑफ तैयार करेंगे, तो 13 गुने इंड बुलाने के ज्यादा चांसेस है। तो आप अगर इस कैटेगरी फॉल कर दियो तो अपनी अपनी मेन्स एग्जाम तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़िए शांति स्टडी पॉइंट, इसमें हम बहुत सारी क्लासेस लेके आने, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी, लेखपाल का बैच हम लॉन्च करने वाले, इसमें सारे क्लास सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।